हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस। मैं हूँ श्वेता, आपके लिए और एक वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि हमारा जो अक्टूबर करंट अफेयर्स बेस्ट 100 MCQ है, उसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सो वी रिग्रेट दैट देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन दैट फर्स्ट पार्ट वीडियो, सो विल वॉच एन इट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू होने से, क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन पे बताएं ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अनाउंस द सेवेंथ एडिशन ऑफ द इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019। तो इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड क्या होता है, तो ये अनाउंस किया जाता है, ये अवार्ड अनाउंस किया जाता है टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग एंड पायोनियर रिसर्च टू द कंट्री। और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का इंडिविजुअल अवार्ड रहता है, और ये इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड हर 2 और 3 साल में एक बार आता है, एक बार होता है। तो इसका आंसर होगा, सो क्वेश्चन इज हु अनाउंस द सेवेंथ एडिशन ऑफ द इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019। आंसर इज सी, क्लैरिवेट एनालिटिक्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉन द इंडिया रिसर्च एक्सीलेंस सिटेशन अवार्ड्स फॉर 2019। आंसर इज बी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने ये अवार्ड जीता है अंडर टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड ओवर 15 ईयर्स। ये दो कैटेगरी को लेके आईआईटी रुड़की ने ये अवार्ड जीता है, और रुड़की जो है ये उत्तराखंड पे है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज बिल्डिंग द आईएनएस विक्रांत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है बाय कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये बना रहा है आईएनएस विक्रांत को। ये कहाँ पे है ना, कोची में, कोची जो केरला में है, और ये बना जाता है फॉर द इंडियन नेवी। एंड द नेम विक्रांत इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है कॉरेजियस। तो इसका आंसर होगा, मतलब आईएनएस विक्रांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बना जाता है, बन रहा है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंड एमओयू विथ बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली। तो इनमें से कौन एमओयू साइन किए हैं विथ बैंक ऑफ बड़ौदा? आंसर इज बी, इंडियन आर्मी। सो दिस बैंकिंग सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा टू सर्व रिटायर्ड पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी। सो इसलिए इंडियन आर्मी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एमओयू अभी साइन किया है टू सर्व रिटायर्ड पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी। तो आंसर इज बी, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम जो है, ये जो स्कीम है इसका एम है टू प्रमोट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिसे हेल्थ हॉस्पिटैलिटीज होता है, इसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बना हुआ है। तो इसका सीईओ कौन है? इसका सीईओ है इंदु भूषण जी। सो आंसर इज ए, इंदु भूषण इज द सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम।
Next is, which state topped the school education quality index? तो इसका आंसर होगा बी, केरला. सो 20 लार्ज स्टेट जो है इंडिया में, उनमें से केरला इज द टॉप वन. ये इंडेक्स में केरला इज द टॉप वन इन टर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन को आधार कर केरला टॉप द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स. सो ये जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, ये बनता है टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर. तो इसका आंसर है बी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स DIN सिस्टम ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है. मतलब एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदाउट अ कंप्यूटर जनरेटेड DIN, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड. मतलब हम जो टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का किसी भी चीज़ को देखते हैं तो विदाउट DIN इट इज़ इनवैलिड. तो ये अभी लॉन्च हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इसका आंसर होगा सुरजीत एस वाला. सो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और IMF फॉर 3 ईयर्स. 3 ईयर्स के लिए बने हुए हैं. एंड सुरजीत एस भल्ला जो प्राइम मिनिस्टर का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उनका वो प्राइम टाइम मेंबर भी है. प्राइम टाइम मेंबर थे टिल दिसंबर 2018. सो अभी वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और IMF. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following state governments has signed a deal with Dalmia Cement to help make the state plastic free by 2022? मतलब 2022 तक प्लास्टिक फ्री स्टेट करेंगे. इसका डील कौन साइन किया है विथ गवर्नमेंट? सो इसका आंसर होगा मेघालय. सो मेघालय गवर्नमेंट हैज़ मेड अ डील विथ डालमिया सीमेंट टू क्रिएट अ प्लास्टिक फ्री स्टेट बाय 2022. सो डालमिया सीमेंट जो है इज अ लीडिंग सीमेंट कंपनी इन नॉर्थ ईस्ट. एज पर डील द सीमेंट कंपनी विल बाय प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ कोल टू मेक फ्यूएल. तो आंसर इज मेघालय. नेक्स्ट वन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वोमेन ऑब्जर्व्ड? रूरल वोमेन डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर है बी, 15th ऑफ अक्टूबर. सो यूनाइटेड नेशंस कमेमोरेट द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वोमेन एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 15th ऑफ अक्टूबर. So rural women play a vital role in fulfilling the vision of SDG, मतलब Sustainable Development Goals. So answer is B. Next question is, who among the following won the World Gymnastic Champions Medal in Stuttgart, Germany? तो answer होगा B, साइमन बाइल्स. जो साइमन बाइल्स है वो US से है. सो ही सेट द रिकॉर्ड बाय
clinching the World Gymnastic Championship 2019 by winning 21st medal at the championships. She became the first woman gymnast in history. तो इसका आंसर होगा बी साइमन बाइल्स. 12th question is, which of the neighboring countries received over 10,000 vials of anti-rabies vaccines from India? तो आंसर होगा म्यांमार. सो एंटी रैबीज वैक्सीन्स मतलब रैबीज एक वायरल डिजीज है विच कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स. सो आंसर इसका होगा म्यांमार. क्यों? क्योंकि इंडिया हैंडेड ओवर 10,000 वायल्स ऑफ एंटी रैबीज वैक्सीन्स टू म्यांमार टू हेल्प द ह्यूमंस और मैमल्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द रैबीज डिजीज. Answer is B, Myanmar. Next question is, which country has become the second fastest growing economy in South Asia according to the World Bank? Second fastest growing economy in South Asia. So answer hai iska A, Bangladesh. वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट वर्ल्ड बैंक जो है उनका लेटेस्ट रिपोर्ट है बांग्लादेश इकोनॉमी इज लाइकली टू मेंटेन द ग्रोथ अबव 7%. सो इट इज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया. आंसर इज ए बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड ए न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम FD Health. कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया है न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम एज FD Health? इसका आंसर होगा ICICI. सो ICICI हैज लॉन्च्ड ए न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम दैट इज FD Health व्हिच इंक्लूड्स द ड्यूअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ via fixed deposit and protection through a critical illness coverage. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी आईसीआईसीआई बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्पेस एजेंसी लॉन्च द मिनी सैटेलाइट रामानुजा 2. मिनी सैटेलाइट है रामानुजा 2 कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर इज बी नासा. नासा मीन्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज लॉन्च्ड मिनी सैटेलाइट कॉल्ड रामानुजा 2. आंसर इज बी नासा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी which facilitates to end face-to-face interaction between taxpayers and tax officials? So, iska answer hoga NESE. NESE means National E-Assessment Center. So, under this system, there would be no interface between the taxpayers and tax officials. Regarding tax payments, regarding any income tax information. So answer is NESE, National E-Assessment Center. So next question is, India's ranks in the 2019 World Giving Index. So among 128 countries, India ranked 82. So answer is B, 82. So among 128 countries, India ranked 82 in World Giving Index. Or World Giving Index kya hota hai? It is a annual report published by the Charities Aid Foundation
which is using data gathered in the world according to how charitable they are. So answer is 82. So India ranks 82 position in the World Giving Index. Next question is, which bank recently decided to change its name due to its merger with Capital First? Iska answer hoga B, IDFC Bank. So IDFC proposed to change its name to IDFC First Bank Limited. IDFC Bank proposed to change its name to IDFC First Bank Limited with the amalgamation with non-banking financial company Capital First. So Capital First jo hai wo hai non-banking financial company. So iske taz milke iska naam abhi recently change hua hai jo ki hai IDFC First Bank Limited. Next question is, J&K, matlab Jammu and Kashmir Governor Satyapal Malik has been transferred and appointed as the new governor of which among the following states? So Jammu and Kashmir ka jo governor the Satyapal Malik, he has been transferred and appointed as new governor. Ye inme se kaun sa state mein hai new governor? Answer is C, Goa. So Satyapal Malik, who served as the 13th and last governor of Jammu and Kashmir, was transferred and appointed as the new governor of Goa. Next question is, who has been appointed as the first lieutenant governor of Jammu and Kashmir? So after changes in Jammu and Kashmir, so who has been appointed as the first lieutenant governor? So answer is A, Girish Chandra Murmu. He has been appointed as the first governor of Jammu and Kashmir Union Territory, jo ki Kendra Shasit Pradesh hai. Next question is, India and Saudi Arabia signed how many agreements during Pradhan Mantri Narendra Modi's visit to Saudi Arabia? Pradhan Mantri Narendra Modi abhi Saudi Arabia visit kiye the, to wahan kitne agreement hua during between India and Saudi Arabia? So answer is B, 15. 15 agreements is there. So India and Saudi Arabia signed 15 agreements in several areas, including for the establishment of securities, defense and energy, as well as for the launch of rupee cards. So ye sab ke liye ek agreement bana, ye sab ko mila ke aise 15 agreement hua hai jo India aur Saudi Arabia ke beech sign hua hai. To answer is B, 15. Next question is, when is the World Cities Day observed globally every year? So, its answer will be 31st of October. The World Cities Day is celebrated every year on 31st of October 2019. The celebration are focused on general theme that better city, better life. So the theme of this World Cities Day is changing the world, innovations and better life for future generation. Iska theme ye hai. To answer is D, 31st October. To friends, chalte hai next question ki taraf. Next question is, who was recently appointed as the Indian ambassador to UAE? So question is, who was recently appointed as the Indian ambassador to UAE?
So answer will be A. Answer will be A. Pawan Kapoor. So Pawan Kapoor is recently took charge as the Indian ambassador to the UAE. Next question is, which city is India Myanmar Naval Exercise IMNEX IMNEX 2019 being conducted? कौन सी सिटी में ये हुआ था ये इंडिया नेवल एक्सरसाइज? आंसर इज डी विशाखापट्टनम. सो इमनेक्स 2019 इट इज़ अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज टेल्स दैट द वेराइटीज ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग एंटी एयर एंड सरफेस फायरिंग एक्सरसाइज. सो ये जो है ये विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has launched Prakrit Kheti Kushal Kishan Yojana? तो ये योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है. सो अंडर दिस योजना अराउंड 2209 पंचायत्स आर ब्रॉट अंडर नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश. एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये योजना का मेन ऑब्जेक्ट है is to increase farmers income and to reduce the use of chemical and fertilizers in the farm. ये जो योजना है इसका मेन ऑब्जेक्ट है जो फार्मर्स का इनकम है वो इंक्रीज होगा एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो यूज़ होता है फार्म में उसको रिड्यूस करेंगे. तो आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is the Odisha Disaster Preparedness Day observed? So answer will be 29th of October. तो अक्टूबर 29th को Odisha Disaster Preparedness Day माना जाता है. So National Day for Disaster Reduction and Odisha Disaster Preparedness Day is observed every year on 29th of October to commemorate the destruction brought by super cyclone 1999 and also to prepare for future disaster. जो आगे भी disaster आएगा उसके लिए भी. तो answer is B. Next one is who chaired the National Investment and Infrastructure Fund Governing Council? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन कौन है? आंसर इज बी निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो सी चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ NIIF मीन्स नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वन इज NIIF is to maximize economic impact through infrastructure investment. Answer is B. Nirmala Sitharaman. Next question is, which country has recently allowed women to serve in the armed forces? So, its answer hoga C. Saudi Arabia. So Saudi Arabia allows women to serve in armed forces as part of the country's measure for women empowerment. So answer is C, Saudi Arabia. Next question is, who has been appointed as the new Chief Operating Officer, COP, of Yes Bank? So answer is अनिता पाई. सो अनिता पाई जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ यस बैंक अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं. सी वाज प्रीवियसली हेल्ड द पोस्ट ऑफ सीनियर जनरल मैनेजर एंड हेड ऑफ एटीएम बिजनेस. जो एटीएम बिजनेस है उनका वो थे सीनियर जनरल मैनेजर एंड ब्रांच बैंकिंग सर्विसेज एंड फोन बैंकिंग एट ICICI बैंक. सो इसका आंसर होगा डी अनिता पाई.
Next question is, which city of China is hosting the 2019 Military World Games? कौन सा सिटी चाइना का कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है 2019 मिलिटरी वर्ल्ड गेम्स? आंसर इज वुहान। सो द थीम ऑफ दिस गेम, ये जो 2019 मिलिटरी वर्ल्ड गेम है, इसका थीम है मिलिटरी ग्लोरी एंड पीस। सो इन दिस मोर देन 10,000 मिलिटरी ऑफिशियल्स फ्रॉम ओवर 140 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। सो इट इज हेल्ड मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, ये जो होता है वो 4 ईयर्स में एक बार होता है बाय द इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, युहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स? सो इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 63rd पोजिशन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इन 2019। एंड ये जो रैंकिंग है इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो आंसर इज 63rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड नेशंस हैज लॉन्च्ड व्हिच कैंपेन इन इंडिया टू इरेडिकेट हंगर? सो आंसर होगा इसका, कौन सा कैंपेन है जो कि यूनाइटेड नेशन लॉन्च किया है इंडिया में टू इरेडिकेट अंडर हंगर? सो आंसर इज डी, फीड आवर फ्यूचर। सो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं यूएन, UNWEP जिसको हम बोलते हैं, तो UNWEP किसको बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इट हैज़ बिन लॉन्च्ड एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन फीड आवर फ्यूचर, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कैंपेन इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टेक स्टेप्स अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। जो माल न्यूट्रिशन जैसे होता है और हंगर इंडिया में, उसके लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसका नाम है फीड आवर फ्यूचर। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड सिंगल हेल्पलाइन नंबर 112? सो इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रेलवे जोन हैज लॉन्च्ड न्यू एप्लीकेशन रेल धंडोरा? इसका आंसर होगा सी, साउदर्न रेलवेज। सो इन ए बिड टू रिड्यूस यूसेज ऑफ पेपर फॉर डे टू डे ऑपरेशन, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल ऑफ पैसेंजर मार्केटिंग। सो रेलवे जोन लॉन्च किया है ये न्यू एप्लीकेशन रेल धंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक इन एसोसिएशन विथ यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज लॉन्च्ड एन अपग्रेडेड हेल्थ केयर प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी? तो इसका आंसर होगा ए, इंडियन ओवरसीज बैंक। सो आईओबी मीन्स इंडियन ओवरसीज बैंक इन एसोसिएशन विथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज लॉन्च्ड एन अपग्रेडेड हेल्थ केयर प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी। आंसर इज ए।
Next question is, who has been appointed as the chairman of Airports Authority of India? So अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं? उसका आंसर होगा डी अरविंद सिंह, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर है. अरविंद सिंह ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ज़रूर देखिए लास्ट तक ये वीडियो. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर द डिजेबल्ड एंड पीपल ओवर हाउ मच ईयर्स ऑफ एज कैन नाउ कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट. तो आंसर इज सी 80 ईयर्स. तो द डिजेबल्ड एंड पीपल ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज कैन नाउ कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट. इसके वजह से क्या होगा ना, इट विल हेल्प इंक्रीज वोटर टर्न आउट. आंसर इज 80 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल हेड द कमिटी दैट हैज़ बीन सेटअप बाय IRDAI टू इवेलुएट एप्लीकेशन अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स. सो इसका आंसर होगा एस सदागोपाल. सो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI हैज सेट अप ए कमिटी अंडर एस सदागोपाल, द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज टू फास्टर ग्रोथ इन इंश्योरेंस सेक्टर. तो आंसर इज एस सदागोपाल. एस सदागोपाल जो है वो है डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर टूक ओथ एज CM ऑफ व्हिच स्टेट. तो आंसर होगा हरियाणा. ओ ही टूक ओथ एज हरियाणा चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म आफ्टर द रिसेंटली पोल्स इन द स्टेट. सो ये सेकेंड टाइम के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुए हैं मनोहर लाल खट्टर. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 29th बेसिक मीन्स ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया एंड चाइना मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन अक्टूबर 2019. सो ये कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर होगा डी बीजिंग, जो चाइना में है. सो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड IB प्रकाश जावेदकर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस मिनिस्टर मीटिंग, जो कि हुआ था बीजिंग चाइना में. सो आंसर इज डी बीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IAS विजेंद्र हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2019. सो IAS विजेंद्र कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का CMD अभी अपॉइंट हुआ है? इसका आंसर होगा ANSIC, मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड. इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इसका आंसर होगा NSIC, जो कि IAS विजेंद्रन अपॉइंट हुए हैं आज CMD. ही इज ऑल्सो द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंपनी CEO टॉप द लिस्ट इन बेस्ट परफॉर्मिंग CEOs इन द वर्ल्ड 2019 as per Harvard Business Review. इसका आंसर होगा
NVIDIA. So the best performing CEO in the world, 2019 list compiled by the Harvard Business Review features in 100 CEOs. So इनमें से NVIDIA CEO जो कि है Jensen Huang, उनका नाम है Jensen Huang in this list. And in top 10 there are 3 Indian origin CEOs. So इसका आंसर होगा D. Who has been appointed as Director General, Bureau of Indian Standards? So Pramod Kumar Tiwari has been appointed as Director General of Bureau of Indian Standards. So Bureau of Indian Standards Act 1986. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें जाता है सब. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल आयुर्वेद डे. सो आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड, नेशनल आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ धनतेरस, जिसको धनवार धनवानत्री जयंती भी बोला जा सकता है. सो ये धनतेरस के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है आयुर्वेद फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA. तो डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज ए दत्तात्रेय पाडसालगीकर, जो कि फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर है एंड महाराष्ट्र डीजीपी. सो आंसर इज ए. और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो है अजीत डोवाल. तो इसका आंसर होगा जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दत्तात्रेय पाडसालगीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अवार्ड हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू कमेमोरेट ऑल टाइम वर्ल्ड पायनियर्स. तो आंसर होगा गांधी मंडेला फाउंडेशन. सो ये जो है न्यू दिल्ली वेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सो आंसर होगा ए, सॉरी आंसर होगा बी, गांधी मंडेला फाउंडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइंड हैंड्स विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस एमएसएमई एंड स्टार्टअप एनवायरमेंट. सो इसका आंसर होगा ए FICCI. टू एनहांस एमएसएमई एंड स्टार्टअप एनवायरमेंट लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन एसोसिएशन विथ FICCI ऑर्गेनाइज्ड. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द इंडियन रेलवेज विल रन इट्स फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड व्हिच अदर कंट्री. अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज के द्वारा एक ट्रेन गया है बिटवीन इंडिया एंड व्हिच अदर कंट्री. इसका आंसर होगा ए नेपाल. सो इंडियन रेलवेज विल रन इट्स फर्स्ट बुद्धिस्ट ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल जो हो चुका है फ्रॉम अक्टूबर 19 टू अक्टूबर 26. एंड द ट्रेन जर्नी कवर ये जो ट्रेन जर्नी था वो कवर किया था गौतम बुद्धस लाइफ इन बोथ इंडिया एंड नेपाल. आंसर इज ए नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन.
वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन कौन है? आंसर इज सज्जन जिंदल. सो ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर 1 ईयर ओनली एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन एंड MD ऑफ JSW स्टील. सो आंसर इज डी सज्जन जिंदल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे. सो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे क्या है ना, इट इज़ एन इंटरनेशनल हैंड वॉशिंग प्रमोशन कैंपेन टू मोटिवेट पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू इम्प्रूव देयर हैंड वॉशिंग हैबिट्स. जो हैंड वॉशिंग हैबिट है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये कैंपेन शुरू किया है थ्रू वर्ल्ड एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th of October ईच ईयर एंड द थीम ऑफ दिस डे इज Clean hands for all. D. Clean hands for all. So answer is D. So friends, this is the last question, but not the least. So thanks for watching. And please do like, share and subscribe this channel and comment करके बताना कैसा लगा video. And friends, आपके लिए मैं एक question लाई हूँ. अटलाश सो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आफ्टर अक्टूबर 2019. एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ. व्हाट इज द मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज आफ्टर अक्टूबर 2019. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन. थैंक यू.